Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Superbikes Classified. This is your host Vivek Suri और आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली डुकैटी के एक नए ऐप की जो उन्होंने मल्टी स्टार्टर 1260 जो है उसके साथ यूज़ करने के लिए निकाला है. मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि कावासाकी ने भी एक अपना ऐप निकाला है जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मतलब वो बेसिकली पीछे जो कावासाकी का रिकॉर्ड है वो आपके ऐप के साथ ज्वाइन हो जाएगा और आपको जैसे पता करना है कि मेरी सर्विस कब हुई, मेरे पार्ट्स क्या क्या चेंज हुए, जो भी सब हुआ वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आपकी उस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी. तो इसी रिलेशन में कुछ मिलता जुलता जो है वो अब डुकैटी ने भी निकाल दिया है. बट ये जो निकाला है वो निकाला है सिर्फ मल्टी साड़ा 1260 मॉडल के लिए. सो गाइज अभी अभी का पीछे कंपनी ने 1260 मॉडल जो है मल्टी साड़ा का वो बेसिकली लॉन्च करा था 1550,000 रुपये के करीब एक शोरूम प्राइस पे. नॉर्मल वेरिएंट जो है और अगर मैं एस वेरिएंट की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए करीब लॉन्च करा था. अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है उस बारे में तो गाइज ये जो ऊपर वीडियो आ रही है आप इसको क्लिक कर लें एंड आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे. सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली अगर मैं इस ऐप की बात करूँ तो ये ऐप जो है वो मल्टी स्टार्टर 1260 जो एस मॉडल है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए निकाला गया है. बेसिकली इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. आप जहाँ जहाँ से जा रहे हैं बेसिक उसका सारा का सारा डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा. अब ये चीज़ क्यों निकाली गई है, वो चीज़ इस वजह से निकाली गई है ताकि आपको जो एक राइडर है उसको हेल्प मिल सके. सो दैट वो अपना जो भी रिकॉर्ड है चेक कर सकेगा कि मेरी स्पीड कहाँ तक गई, मेरा एंगल कितना लीन रहा, मेरी पावर डिलीवरी कैसी रही, मेरी एक्सेलरेशन कैसी रही, मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा बाइक का, वो सब आपको उस ऐप के अंदर मिल जाएगा. तो इस वजह से कंपनी ने इस चीज़ को निकाला कि यार एक राइडर को आगे मतलब पता करने में परेशानी नहीं होगी कि एक्चुअल में मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरी जो बाइक है उसने कैसा परफॉर्म करा. सो गाइज ये जो ऐप है ये बेसिकली ये iOS वर्जन के लिए भी है, ये एंड्रॉयड के लिए भी है. कावासाकी का जो अभी ऐप आया है वो iOS के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन के लिए आया था. तो आई होप कि कावासाकी भी ऐसे ऐप जो हैं उसको दोनों वेरिएंट के लिए निकाले, iOS के लिए भी निकाले, एंड्रॉयड के लिए भी निकाले. और इस चीज़ का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि अभी ये जो ऐप है डुकाटी ने निकाला है ये सिर्फ मल्टी स्टार्टर 1260S के हिसाब से निकाला गया. सो आई एक्सपेक्ट कि यार डुकैटी को और भी बाइक्स के साथ इसको जोड़ना चाहिए ताकि एक राइडर अपनी जो बाइक चला रहा है उसको उसके रिलेशन में पता चलता रहे कि यार मेरे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है. सो अगर मैं इस ऐप की बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि आप अपने सारे रूट जो हैं सारी जो आपकी मतलब एक्सेलरेशन कैसी गई, परफॉर्मेंस कैसी गई, आपकी एवरेज वाइज कैसा रहा, आपने लीनिंग कितनी करी, वो सारी चीज़ें आपको ये ऐप बताएगा. सो इट्स अ वेरी गुड ऐप. आपको क्या लगता है इस ऐप के बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं इस ऐप के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है गाइज, आप वहाँ पे जाके कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं. आई होप कि मेरी ये जो वीडियो है वो आप लोगों के किसी काम आई हो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें. सो गाइज इट्स बाय बाय फ्रॉम माई साइड. आई होप यू आर अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो. दुनिया को खुशी दे गाइज, आपको अपने आप खुशी महसूस होगी गाइज. इट्स गॉड ब्लेस गाइज, टेक केयर, बाय. Hey guys, subscribe to Superbikes Classified, press the bell icon and never miss a video from Superbikes Classifieds.